हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल स्टार एकेडमी बांदा में। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ का पहले चैप्टर का पार्ट फोर लेकर आया हूं, जहां पर आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं आप। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे आज की क्लास में नए जुड़े हुए हैं, वो हमारे पिछले वीडियो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, दी हुई लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले नोटबुक लेकर जरूर बैठा करें और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते जाएं, ताकि ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। तो जो हमारे क्रिस्टली ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टली ठोस जो होते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कैसे इनको वर्गीकृत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे क्रिस्टली ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें उपस्थित अवयवी कणों के बीच अंतराणुक आकर्षण बल की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टली ठोसों को हम चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि क्रिस्टली ठोसों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले अंतराणुक आकर्षण बल की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टली ठोसों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, व्हाइट बोर्ड में वर्गीकरण आपको पहले से दिखाया गया है। तो देखिए, क्रिस्टली ठोसों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है आपका आण्विक ठोस, जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। दूसरा है आयनिक ठोस, जिसको हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। तीसरा है मेटेलिक सॉलिड्स, धातु ठोस, जिसको हम कहते हैं। चौथा है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, जिसको हम कोवैलेंट सॉलिड्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? चार प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? चार प्रकार से किया जा सकता है। आण्विक ठोस, आयनिक ठोस, धातु ठोस और सहसंयोजी ठोस। तो चलिए बच्चों, इनको डिटेल में समझते हैं कि क्या होते हैं हमारे आण्विक, आयनिक, धातु और सहसंयोजी ठोस। तो प्यारे बच्चों, जो आण्विक ठोस होते हैं, उनमें अवयवी कणों के रूप में अणु पाए जाते हैं। अवयवी कणों के रूप में प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। जो हमारे आण्विक ठोस होते हैं, वो अणु रखते हैं अवयवी कणों के रूप में। अर्थात कहने का मतलब है, जो हमारा आण्विक ठोस क्रिस्टल होगा, वो अणुओं से मिलकर बना होगा। किनसे मिलकर बना होगा? अणुओं से मिलकर बना होगा। इसी प्रकार जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं क्रिस्टल, जो आयनिक ठोस क्रिस्टल होते हैं, उसमें अवयवी कणों के रूप में आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? आयन पाए जाते हैं अवयवी कणों के रूप में। यहां पर आयन का जो मीन्स है, आयन का मीन्स धनायनों और ऋणायनों से है। आयन का मीन्स कहां से है? धनायनों और ऋणायनों से है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि आयनिक ठोसों में अवयवी कण के रूप में आयन पाए जाएंगे, यानी कि आयनों से मिलकर बना होगा। आयनिक ठोस किससे मिलकर बना होगा? आयनों से मिलकर बना होगा। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे धात्विक ठोस होते हैं, धात्विक ठोसों में अवयवी कणों के रूप में धातु परमाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? धातु परमाणु पाए जाते हैं। ये,
तो अवयवी कणों के रूप में यहाँ पर धातु परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे धात्विक ठोस होंगे वो धातु परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। किससे प्यारे बच्चे मिलकर बने होंगे? धातु परमाणुओं से। इसी प्रकार जो हमारे सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस होते हैं, इनमें अवयवी कणों के रूप में परमाणु पाए जाते हैं। यहां पर परमाणु का मीन्स अधातु परमाणुओं से है। किससे प्यारे बच्चों? अधातु परमाणु, यानी कि जो हमारे सहसंयोजी ठोस होंगे वो परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने होंगे? परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, यानी कि अवयवी कणों के रूप में यहां पर परमाणु भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? परमाणु। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इनके बीच पाया जाने वाला बंध, यानी कि ये जो अवयवी कण होते हैं ये किस बंध द्वारा एक दूसरे से पूरे क्रिस्टल में बंधे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो हमारा आण्विक ठोस पदार्थ होते हैं, आयनिक ठोस क्रिस्टल होते हैं, उनमें उनमें वांडर वाल बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी कि अणुओं के मध्य वांडर वाल, वांडरवाल्स आकर्षण बल, वांडरवाल्स आकर्षण बल होता है। यानी कि आणविक ठोस के अणुओं के मध्य वांडरवाल आकर्षण बल होता है। इसी आकर्षण बल से अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं, उनमें प्यारे बच्चों जो हमारे आयन्स होते हैं, तो आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि जो हमारे आयनिक ठोस क्रिस्टल होते हैं, उनमें आयन्स स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ज्वाइंटेड रहते हैं। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे धात्विक ठोस होते हैं उसमें जो हमारे धातु परमाणु हैं, जो अवयवी कण के रूप में उपस्थित हैं, इनके मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? धातु परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पाए जाते हैं? धात्विक बंध, यानी कि धात्विक बंधों द्वारा धातु परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। अगला देखते हैं, जो हमारे सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण के रूप में जो परमाणु उपस्थित हैं, ये एक दूसरे से सहसंयोजी बंधों द्वारा सहसंयोजी बंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो सहसंयोजी जो हमारे ठोस क्रिस्टल होते हैं उसमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है, और इन्हीं सहसंयोजी बंधों द्वारा वे एक दूसरे से पूरी क्रिस्टल में बंधे रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे इनकी एग्जाम्पल्स की। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे आण्विक ठोस होते हैं, आण्विक ठोस के जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें ठोस CO2, ठोस SO2, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बर्फ, कौन ठोस I2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आण्विक ठोसों के एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको कुछ लिखे हुए हैं सामने। इसी प्रकार जो हमारे आयनिक ठोस हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे NaCl, KCl, ZnS। ये प्यारे बच्चों, ये हमारे आयनिक ठोस होते हैं, यानी कि ये आयनिक ठोस के एग्जाम्पल्स हैं NaCl, KCl, ZnS।
ठीक इसी प्रकार धातु ठोस के एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। धातु ठोस के एग्जाम्पल्स के रूप में आपका गोल्ड धातु हो गई, सिल्वर धातु हो गई, कॉपर धातु हो गई और आयरन एक्सेट्रा, ये आपके धात्विक ठोस क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? धात्विक ठोस क्रिस्टल के एग्जाम्पल। इसी प्रकार सहसंयोजी ठोसों के जो एग्जाम्पल्स होंगे इसमें आपका आ जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये आपके सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आपका क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण और उनके बारे में ये आपकी। तो प्यारे बच्चों फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं, शॉर्ट में जल्दी से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है उनमें उपस्थित अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर इनको चार प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं हम। आण्विक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। जो हमारे आण्विक ठोस होंगे उसमें अवयवी कण के रूप में अणु पाए जाएंगे और अणुओं के बीच वान डर वाल्स आकर्षण बल होगा। और एग्जाम्पल्स के रूप में ठोस CO2, ठोस SO2 बर्फ और ठोस I2 एटसेट्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण के रूप में आयन पाए जाते हैं और आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे NaCl, KCl, ZnS एटसेट्रा। इसी प्रकार जो हमारे धातु ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण के रूप में धातु परमाणु पाए जाते हैं जिनके मध्य धात्विक बल पाया जाता है और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन आदि। अगला देखेंगे जो हमारे सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस होते हैं इसमें अवयवी कण के रूप में परमाणु पाए जाते हैं और परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है, यानी कि सहसंयोजी बंध द्वारा ये परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्रिस्टल में। एग्जाम्पल्स देखें तो हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई आज की क्लास? तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यहां पर हम चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फाइव लेकर आएंगे। आज की क्लास में यदि किसी स्टूडेंट्स को इस क्लास को समझने में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है और हमें सुझाव दे सकता है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू।